श्रावण के महीने में तीन चीजों का स्मरण करना, महादेव, भोला और हर हर महादेव, इन तीनों का उच्चारण कहां कहां पर करना चाहिए वो समझिए जरा। अभी तक जितनी भी आपने शिव पुराण सुनी होगी उसमें हमने ये वर्णन नहीं किया। चाहें तो आप पुरानी शिवपुराण यूट्यूब पे डली हुई आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें तीन चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन तीन उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन तीन उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम तीन बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे, कम से कम तीन बार, या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। तीन बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए, एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब दो नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो, वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता मात्र, केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। कोई उपाय बताया कि तू ये कर ले, और उसने वो करा और उसका काम हो गया, और तुम वो उपाय चार बार कर चुकी तो तुम्हारा काम नहीं हुआ। कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उसका कारण क्या होता है? मन में विश्वास की जागरूकता, मन में विश्वास की प्रबलता। जिसको आपने बताया उसने आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के बाद उसने वो उपाय कर लिया। पर हो सकता है हम मंदिर जा रहे हों, हम देवालय जा रहे हों, हम नर्मदा जी के घाट जा रहे हों, हम प्रयागराज जा रहे हों, हम भगवान के मंदिर पहुंच रहे हों, उसके बाद भी हमारे भीतर इतना विश्वास जागृत नहीं हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे
ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हन तो छड़नी ना मैं कटी जावानी। पार्लर से आए पानी गिर जाए तो जैसी थी वैसी की वैसी हो जाए। तो शादी ब्याह की सावन में भगवान शंकर कहते हैं कि सावन में मैं इतना पानी इसलिए गिराता हूं कि तेरे भीतर जो विश्वास है, तेरे भीतर जो भक्ति है वो सम्मुख है, तो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हम बहुत सारा चंदन लगा लें, माला माला पहन लें और शंकर जी के बहुत बड़े भगत बन के बैठ जाएं, तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसे भगत बनने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान की कथा कहती है, तू तेरे घर से निकल कर आ, विश्वास लेकर चल, एक लोटा जल तेरे घर से जब तू लेकर चले तो ये विश्वास लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी टेंशन, पूरी चिंता, पूरी समस्या, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करने के लिए जा रही हूँ, उसका है तो उसको देने के लिए। पति कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्विक यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं, उतने अश्विक यज्ञ हमने कर लिए। और हमारे अश्विक यज्ञ कोई साधारण नहीं है। भोजन करने के लिए और मंदिर का घंटा बज गया, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्विक यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्विक यज्ञ का इकट्ठा कर। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। पर सावन के महीने में एक लोटा नहीं, कितने? दो लोटा जल। दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए, बाबा से दिल का भाव।